दोस्तों, हमारे शरीर का लगभग 70% भाग जल का बना हुआ होता है। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे शरीर को पानी की कितनी आवश्यकता होती है। पानी के बिना हमारा जीवन असंभव है। पानी पीने के बाद हर आदमी को पेशाब के लिए भी जाना होता है और पेशाब के रूप में शरीर के हानिकारक और विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। अतः पेशाब करना भी हर आदमी के लिए जरूरी और फायदेमंद होता है और शरीर गंभीर बीमारियों से बचा रहता है। पेशाब करने से शरीर की सफाई के साथ साथ गंदा खून भी साफ होता है और स्वास्थ्य ठीक रहता है। लेकिन कई बार पेशाब करना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। आइए जानते हैं कैसे। रात को खाना खाने के बाद लोग भरपूर पानी पीकर सोते हैं और अचानक पेशाब करने के लिए उठते हैं और नींद में ही उठकर पेशाब करने के लिए चल देते हैं। लेकिन ऐसा करना शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। जब आदमी सो रहा होता है तो खून का बहाव दिमाग की ओर आराम से होता है और सोने के साथ साथ आदमी का दिमाग भी आराम करता है। लेकिन नींद में उठकर हम अचानक पेशाब के लिए जाते हैं तो खून का बहाव दिमाग की तरफ एकदम से तेज हो जाता है, जो दिमाग को नुकसान तक पहुंचा सकता है। इससे दिमाग की कई समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए रात को पेशाब करने के लिए उठते समय थोड़ी देर बाद बेड पर आराम से बैठना चाहिए, उसके बाद पेशाब के लिए जाना चाहिए।